हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन. फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेट 19. इससे पहले 360 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे सेट्स को आप कवर कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि फोर ऑप्शंस दिए गए हैं और इन फोर ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तो आप मार्क कर लीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्टली मैच्ड है या करेक्टली मैच्ड नहीं है. इससे क्या होगा ना कि फिर आप क्वेश्चन को, ऑप्शंस को उस तरीके से आप एलिमिनेट कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अलीग्रह यूनिवर्सिटी, अलीग्रह मुस्लिम यूनिवर्सिटी. इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद. ओके, ये राइट है आपका. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके फाउंडर जो थे ये दयानंद सरस्वती नहीं थे. इसके फाउंडर कौन कौन थे, इसके फाउंडर थे BHU के मदन मोहन मालवीय, एनी बेसिंग एंड सुंदर लाल. इसके अलावा भी और सारे मेंबर्स थे, बट ये तीन नाम जो है ना ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन के साथ ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया बस हो गया. नहीं, आप यहाँ पे देखें तो एक ही क्वेश्चन में ना आपके चार से पांच चीजें कवर हो रही हैं. ठीक है, कि इन चारों के फाउंडर्स आपको पता चल रहे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ पे ध्यान से देखें. थर्ड है हमारा रामकृष्ण मिशन. तो इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे, ये थे स्वामी विवेकानंद. ठीक है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो था इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये चार फाउंडर्स और एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया बिगेन टू फेस क्लोजर फॉल. अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस वक्त ये कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थे ना, इनके फॉल का, इनके फेल्योर का, इनके क्लोजर का मुख्य कारण क्या था. तो ये क्या था, इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड आइटम्स. ठीक है, अब ये मशीन्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही चीप कॉस्ट पे कॉटेज इंडस्ट्रीज में कपड़े बनने का, कपड़े उद्योग में कपड़ा का बनना, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ही जल्दी डाउन हो गया था. सो वी हैव थर्ड क्वेश्चन हियर विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्टी ऑफ बॉम्बे ट्रायम्विराटे. ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायम्विराटे है, अब ये आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायम्विराटे होता क्या है. ठीक है, तो ये तीन लोगों की ग्रुप थी. ठीक है, तीन लोगों की जनरली ग्रुप होती है जो प्रमुख लोग होते हैं, और इसको आप इन हिंदी आप इसको कह सकते हो तिकड़ी. ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से कौन कौन, इसमें से कौन है जो इस बॉम्बे ट्रायम्विराटे के मेंबर नहीं थे, फाउंडर नहीं थे. तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कौन कौन थे. तो यहाँ पे थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तिलंग. तो ये तीनों के तीनों जो थे ना, ये आपके इसमें इंक्लूड थे, और दादा भाई नौरोजी नहीं थे. क्योंकि ट्रायम्विराटे का मतलब क्या होता है, तिकड़ी, तीन लोगों की संख्या होनी चाहिए. तो ये तीनों यहाँ पे, यही तीनों इसके मेंबर थे. और इसके अलावा इन सब ने मिलके, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी कभी 1885 में. तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर फोर है, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया. आपसे यह पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेंसस जो है वो कब कंडक्ट किया गया था. तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आप साथ ही साथ ये भी देखिए कि कब किस ईयर में कंडक्ट किया गया था. उसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि किनके द्वारा किया गया था. ओके,
तो ये किया गया था किसके टाइम में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम में। ओके, और किस ईयर में किया गया था? 1872 में फर्स्ट सेंसस किया गया था। और रेगुलर बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाना कि कब से ऑन रेगुलर बेसिस स्टार्ट हो गया, तो ये कब से स्टार्ट हो गया? 1881 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मेरे जो सारे के सारे इससे पहले के वीडियोस हैं और इंक्लूडिंग दिस वीडियो टू, ये सारे के सारे कंटेंट्स जो है ना, ये आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, और एक्सप्लेनेशन है वो हमेशा ही बायलिंगुअल रहता है, सो दैट कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। विच बुक वॉज नॉट ऑथर्ड बाय स्वामी विवेकानंद? ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे बुक हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद उसके ऑथर नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही मिलता है, आपको इसके अंदर 3 से 4 चीजें जानने को मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, विच बुक वॉज नॉट ऑथर्ड बाय। अब इसमें जो बुक नहीं होगा उसको छोड़कर अगर हम बात करें, तो ये 3 बुक तो हमें जानने को मिल गई ना कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछा जाता है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कौन कौन सा बुक है। राजयोगा, जनरल योगा, परिभ्रजक, तो ये तीनों के तीनों बुक्स जो है ना, ये स्वामी विवेकानंद इसके ऑथर थे। अब किसके नहीं थे? तो विनय पत्रिका। अब हमें बताइए कि विनय पत्रिका जो है ना, इसके ऑथर कौन नहीं थे? स्वामी विवेकानंद नहीं थे। इसके ऑथर थे कौन? तो इसके ऑथर थे तुलसी दास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। आपको फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना यह है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये अष्ट प्रधान, ठीक है, ये मराठा एम्पायर के टाइम में था, और अष्ट दिग्गजा ये विजयनगर एम्पायर के टाइम में था, नवरत्न ये चंद्रगुप्त वन के टाइम में नहीं था, ये किसके टाइम में था? ये था अकबर के टाइम में। ओके, ये 9 लोगों की थी नवरत्न, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होते थे और बहुत ही पहुंचे उम्दे किस्म के लोग होते थे। इस नवरत्न की कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया गया था। ओके, हमें कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि ये 9 लोगों के ग्रुप में कौन कौन से शामिल थे, वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हम नेक्स्ट सेट में इसको कवर जरूर करेंगे। सो फोर्थ वी हैव दशाला। तो ये जो थे, ये क्या था? ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। ओके, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं था? तो इसमें कौन सा सही नहीं था? इसमें था नवरत्न वाला, जिसका मैचिंग इन्होंने क्या दे रखा है, चंद्रगुप्त वन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नवरत्न जो था ना, ये किसके टाइम में था? ये अकबर के रीजन में था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 4। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। विच वन इज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट फोर्ट जो है वो कौन सा कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिया में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन 1644 इसका फाउंडेशन, ये फाउंड किया गया था। कौन सा फोर्ट था? ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 फॉर बिटकिन। अब अगर ये पूछा जाए कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये किस ईयर में फाइट किया गया था, तो ये 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अब अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था, एग्जैक्ट डेट क्या था? तो 5 नवंबर 1556 को ये क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत इंडिया 1556 में, किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड हेमू के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स द कैबिनेट मिशन प्लान वाज थॉट टू हैव बिकम डिफॉल्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस डिक्लेरेशन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था
वो उसको डिफाइन कर दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया था, वापस हटा दिया गया था। तो ये था एटली डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये एटली का डिक्लेरेशन क्या था, ये थे कौन, ये भी हम देख लेते हैं। ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनका ड्यूरेशन क्या था, 1945 से लेके 1951 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एटली डिक्लेरेशन क्या था, इनका डिक्लेरेशन ये था कि ब्रिटिश को ना जून 19 सॉरी इंडिया को जून 1948 से पहले ब्रिटिशर्स वहां से अपना राज खत्म करेंगे। और ये डिक्लेरेशन उन्होंने कब दिया था, ये दिया था फेब 20, 1947 को। इसी डिक्लेरेशन के बाद ये जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था ये खत्म कर दिया गया था, इसको वापस हटा दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द फेमस लाल बाग गार्डन ऑफ बैंगलोर वॉज कमीशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाल बाग गार्डन जो है ये बैंगलोर में है, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया। किस ईयर में किया गया था, और ये आप देख लीजिए कि कौन से जो रूलर थे उनके टाइम में किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था हैदर अली के टाइम में। और किसके बेसिस पे किया गया था, किसके इक्विवेलेंट ड्रग के इसको किया गया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जो है ये बेंगलुरु में है। दूसरा है कि हैदर अली ने इसको कमीशन किया था, ठीक है। और इसको जो है ये गार्डन इन्होंने बराबर बनाने की कोशिश करी थी मुगल गार्डन के जैसा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे जो गार्डन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मुगल गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इनके बाद, हैदर अली के बाद इनके सन टीपू सुल्तान ने क्या किया कि इसको यूनिक प्लांट स्पीसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की जो वैरायटीज होती है ना, उससे इस गार्डन को सजाया। और इसको मैनेज किसने किया, इसको मैनेज किया मोहम्मद अली और उनके बेटे अब्दुल कादर ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो 11th नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब बाय गांधी बाय द फ्रेज। यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके थ्रू गांधी ने गॉड को, भगवान को डिस्क्राइब करने, उनके नेचर को, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर को, एसेंशियल नेचर को जो कि जरूरी है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं। तो ये वर्ड था सच्चिदानंदा, ओके। ये आप याद रखेंगे, गांधी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही जल्द 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम गांधी से रिलेटेड लेके आने वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको गांधी से रिलेटेड रहते ही रहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के सेट्स में भी हम जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और जहां से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है कि वहां से क्वेश्चन रहते ही हैं, क्योंकि वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना, ये जो एग्जामिनर है उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन वो डालते ही है, ठोकते ही है। तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं इससे प्रीवियस सेट्स में, तो आप वहां जाके वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। सो उपनिषद मेड द डीप इन्फ्लुएंस अपॉन गांधी, ओके। यहाँ पे 4 ऑप्शंस वापस से आपको दिए गए हैं, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उपनिषद है जिन्होंने बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा किसने, महात्मा गांधी पे। तो ये कौन सा था, ये था छंदोक्य। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 हियर। द राजीव गांधी एक्शन प्लान पुट फॉरवर्ड बाय लेफ्ट लीडर इन 1988। ऑब्वियसली 1988 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्री इंडिपेंडेंस होगा या पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा, ये होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अब देख लीजिए कि ये जो राजीव गांधी एक्शन प्लान है जो कि 1988 में लीडर्स के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, ये था क्या, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, या मल्टीलेटरल ट्रेड से रिलेटेड था। तो ये था परमाणु निरस्त्रीकरण से रिलेटेड, दैट इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ओके। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14।
जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। इससे पहले भी काफी क्वेश्चन हम इस पे कवर कर चुके हैं, सो आई होप कि यह आंसर आपको देखते ही साथ पता चल जाएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये 1931 में हुआ था। ये भी आप यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन में सर से दिया हुआ है। तो ये जो है लॉर्ड किसके टाइम में हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किसके टाइम में हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में, जो कि उस वक्त वायसराय थे इंडिया के। उसके बाद सेकंड क्या है, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी। तो ये भी आप जान लीजिए कि ये जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इस तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था तीनों में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये किया था बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। और किसने सिर्फ सेकेंड में किया था, तो ये किया था गांधी जी ने, सॉरी अगर आपसे ये पूछा जाए कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ कौन से राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, तो ये किया था सेकेंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद ही पूना पैक्ट साइन किया गया था, किसके किसके बीच, ये सारे के सारे चीजें हम पहले बता चुके हैं। यहाँ भी बता रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट जो है वो साइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड पहले हम आंसर देखने से पहले कुछ और पॉइंट्स यहाँ से रिलेट करके पढ़ लेते हैं, बिकॉज जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप आंसर्स को अगर रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो जाते हैं और वो आपके रिविजन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अब अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए क्वेश्चन, एक मिनट सामने लेके आपको मैं, सो अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1931 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आईएनसी जितना इम्पोर्टेंट गांधी जी है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आईएनसी भी है, ठीक है। तो आईएनसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1931 में ये जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो वो हेल्ड हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था कराची में, ओके। और अगर ये पूछा जाए कि इसको लीड किसने किया था, तो इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और इसमें 1931 वाले सेशन में ऐसा हुआ क्या था, तो क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स जो है वो साइन किया गया था। फिर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो लेके आया गया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कभी हुई थी, 1931 में, और उस वक्त वायसराय इंडिया के कौन थे, तो थे लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो भाई यहाँ पे हमने देख लिया ना कि सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और 1931 में जो इंडिया के वायसराय थे ये कौन थे, ये थे लॉर्ड विलिंगडन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे ये सारी के सारी आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की वापस से जरूरत नहीं है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 हियर। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यंग बंगाल मूवमेंट हैड रोज लाइक अ ब्राइट स्टार इन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन इंडिया, ओके। यहाँ पे आपसे इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है कि ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है ना, ये तो उभरी बहुत अच्छी तरीके से थी, बहुत तेजी से थी, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके डाउनफॉल का रीजन क्या था। तो यहाँ पे आपसे तीन चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको आंसर करने हैं कि क्या रीजन था इसके बिना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बिल्ड अप एंड अटोपेन आइडियलिज्म बट लैक प्रैक्टिस प्रैक्टिकल स्टेप टू रियलाइज इट, ओके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने क्या किया ना, कि जो ऐसी चीजें ये लोग लेके आए ना, जो कि आइडियलिज्म इनकी बहुत अच्छी थी, आइडिया इनके बहुत ऊपर की थी, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे कुछ होता है ना कि हम सोच लेते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उस टाइप के आइडियाज थे जो इनके फेल होने का एक मेन रीजन था। अब हम सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। इट यूज्ड बिजारे मेथड नॉट टू, अच्छा इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया आपको कि जो अननोन होता है किसी के लिए, अनकंफर्टेबल होता है, मतलब आपके सामने कोई भी चीज, ऐसी चीजें ला के रख दी जाए
जिसको ना आपने सुना है, ना अपनाया है, ना आजमाया है, ना देखा है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अननोन हो जाएगा, जिससे आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। तो ये जो मेथड था ना, ये बंगाल सोसाइटी में लाया गया, और जिससे जो बंगाल की सोसाइटी थी वो अनजान थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अचानक से कोई भी चीज लाया जाता है जिसके बारे में पहले से कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ भी चीजें रेडी ना हो, किसी के दिमाग में वो चीजें ना हो, तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो ये दोनों मेन रीजन था आपका, किसका, फेल्योर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट का। तो यहाँ पे वी हैव राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। थर्ड पे देख लेते हैं, एज ए सुबह मूवमेंट बट लेटर बिकम टू मच रिवॉल्यूशनरी एंड रेडिकल। नहीं, ये हुआ ही नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही काफी कम दिनों के रिस्पॉन्स के बाद ही ये बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट जो है ना, इसको क्लोज कर लिया गया था। ठीक है, मेन रिवॉल्यूशनरीज थे, ये थे दक्षिणा रंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष, इसके बाद राधानाथ सिग्धर और हरचंद्र घोष, इसके अलावा थे रसिक कृष्ण मलिक, और उसके बाद कृष्णा मोहन बैनर्जी। तो ये रसिक कृष्णा मलिक, कृष्णा मोहन बैनर्जी और दक्षिणा रंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राधाकांत सिद्धर एंड हरचंद्र घोष, ये सारे के सारे कौन थे? ये थे रिवॉल्यूशनरी। किससे रिलेटेड ये रिवॉल्यूशनरी थे? ये थे यंग बंगाल मूवमेंट से, जो कि काफी दिन तक नहीं चल पाया था। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 हियर, द लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929। ओके, अब जैसे देखिए, अब हमारे पास जैसे ही 1929 आया ना, तो हमें सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? हमें सबसे पहले याद आना चाहिए कि 1929 में हुआ क्या क्या था, क्योंकि हिस्ट्री में ना डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1929 में क्या हुआ था वो आप देख लीजिए। 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। क्यों? इसको लीड किया था जेएन नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इसमें लाहौर सेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, और इसके बाद इसी टाइम में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पास किया गया था। इस रिजोल्यूशन के बाद ही इसको इसीलिए लेके आया गया था, ताकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा सके। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1929 में यहाँ पे जो लीडर्स आपको दिए गए हैं, ये जो सेशन था, ये किसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था? तो ये तीनों के रिलेटेड तो नहीं था, ऑब्वियसली ये नहीं था। ये किससे रिलेटेड था? ये था आपका जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड। ओके, अच्छा मुझे जरा आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि महात्मा गांधी ने कौन से INC सेशन को लीड किया था, और वो किस ईयर में हुआ था। ठीक है, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हु वाज बोर्न ऑन 23rd Jan 1897 इन कटक, ओडिशा, इंडिया। तो ये कटक उड़ीसा से सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? ये याद आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। अब इनके बारे में जान लेते हैं, इन्होंने कौन कौन से INC सेशन को लीड किया था। तो ये किया था, आप जब भी नोट्स बनाते हैं ना, अभी जैसे आपने यहाँ नोट्स बना लिया, तो कैसे नोट्स बनाएंगे? सुभाष SC बोस, ठीक है, इनका जन्म कभी हुआ, ये किस किस ईयर में इनका जो इम्पॉर्टेंट काम था जिसके लिए इनको याद किया जाता है, तो इस तरीके से आप इसको नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। सो अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप ये सबसे पहले आप लिखेंगे 1938 वाले सेशन को लीड किया था, फिर कौन से सेशन को लीड किया था, अब 1939 वाले सेशन को लीड किया था। अब काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये 1938 में और 1939 में हुआ क्या क्या था, ये कितनी बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 1939 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, कहां से, ठीक है, और ये जो 1938 पहले हम देख लेते हैं,
1938 में इन्होंने कौन से आईएनसी सेशन को लीड किया था? तो ये था हरिपुरा सेशन, ठीक है। तो हरिपुरा सेशन जो है ना, तो इसी टाइम में क्या हुआ था? सबसे पहले तो देख लीजिए 1938 में क्या हुआ था। तो 1938 में हुआ था कि उस वक्त हरिपुरा सेशन में, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था, उस वक्त नेशनल प्लानिंग कमीशन लाया गया था, नेशनल प्लानिंग कमिटी बिठाया गया था। किसके अंडर में? अंडर जे एल नेहरू, डेट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आइए 1939 में। तो 1939 में क्या क्या हुआ था ये भी जरा देख लीजिए। ये सेशन था त्रिपुरी सेशन, ठीक है, इन्होंने ही लीड किया था और इसमें इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। अब ये रिजाइन दे दिया था इन्होंने, और उसके बाद किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था? ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले के क्वेश्चंस में, आई मीन सेट्स में, हमने ये भी कवर किया है कि इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया था, इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, और रेजिग्नेशन देने के बाद क्या क्या किया इन्होंने, कहाँ गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले के सेट्स में कवर किए हुए हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इन सारे सेट्स को आप देख लीजिए, बिकॉज हमने ना अभी तक 360 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये कवर कर रखे हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये 360 क्वेश्चन ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन पे आपको कम से कम 3 से 4 चीजें ऐसे जानने को मिलती है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके उन सारे वीडियोस। So we have question number 18 here. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाई डेवलपमेंट इन सोसाइटी, डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, मतलब डेवलपमेंट जो होना चाहिए था सोसाइटी में, जो लाना चाहिए था, जो ये कर सकते थे, उस फील्ड में ये लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, provided self-respect needed to fight British colonial rule. ये आपका यहाँ पे हो जाएगा right answer. Okay. So next question हम देख लेते हैं, which one of the statement was not made by स्वामी विवेकानंद? अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है। एक मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, अब आप मुझे इसका आंसर सारे के सारे अब मुझे ये बताइए कि बैक टू वेदास जो है, ये क्वेश्चन मैं आई थिंक पहले करवा चुकी हूँ, तो बैक टू वेदास जो है ये किनके द्वारा लाया गया था, ये जो है ये किसका स्टेटमेंट है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। तब तक हम 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। Arise, awake and stop not till the goal is reached. इनका कहना था कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक आपका जो एम है वो आप अचीव नहीं कर लेते हो। ये किसका कहना था? ये था स्वामी विवेकानंद का। ओके, ये सही है आपका। मोशन इज द साइन ऑफ लाइफ, गतिशील रहना जीवित लोगों की निशानी है, या फिर गतिशील रहना जो है ना, ये दर्शाता है कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, आपके जीवन को दर्शाता है। तो ये इनका किसका कहना था? ये था स्वामी विवेकानंद का अगेन। फिर फ्रीडम वॉज डिजर्व्ड ओनली बाय बोल्ड एंड ब्रेव। अगर आप बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, ठीक है, तो ही फ्रीडम का मायने आप समझ सकते हैं और तभी आपके लिए फ्रीडम मीनिंगफुल भी है। तो ये किसका कहना था? ये था किसका? स्वामी विवेकानंद का। ओके, सो बैक टू वेदास जो है ये इनका स्टेटमेंट नहीं था। ये मैं बता देती हूँ कि बैक टू वेदास जो है ना, ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का।
जो कि फाउंडर किसके थे, ये फाउंडर थे आर्य समाज के, और आर्य समाज फाउंड किस ईयर में हुआ था, ये हुआ था 1875 में, और ये सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। और इन्होंने स्लोगन क्या दिया था, ये दिया था गो बैक टू द वेदास। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कितने सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस वॉज टेकन बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1790। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो यहाँ पे हम सारे के सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सरदार निजामत अदालत वॉज ट्रांसफर्ड टू कैलकटा, ये सही है। नवाब्स कंट्रोल ओवर द सरदार निजामत अदालत वॉज स्टॉप, ठीक है। नवाब का कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट जो सरदार निजामत अदालत पे था उसको खत्म कर दिया गया था और उसको शिफ्ट कर दिया गया था कैलकटा, ये भी सही है आपका। ये दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। सो वी हैव थर्ड स्टेटमेंट हियर, विच विद द हेल्प ऑफ खादी एंड मुफ्तीज। ओके, खादी एंड मुफ्तीज को जो है ना इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल द वर्क। यहाँ पे द गवर्नर जनरल जो है ना, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने खादी एंड मुफ्तीज को क्या किया था, उस वर्क को कंट्रोल करने के लिए, किस वर्क को कंट्रोल करने के लिए, सरदार निजामत अदालत से रिलेटेड वर्क को कंट्रोल करने के लिए वहां पे इन्होंने खादी एंड मुफ्ती को सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर दे दिया था। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्ट है ना, ये वंस अ वीक, एक वीक में एक बार जरूर लगती थी। तो यहाँ पे ना चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाते हैं। सो आज ये 20 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और इससे पहले भी हर एक सेट्स में इनफैक्ट हम 20 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। तो इससे इसके बाद ये हमारा था सेट नंबर 19। 6 सेट्स आपके और बाकी रह गए हैं। उसके बाद ये जो सीरीज हम चला रहे हैं 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसके कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम पास नहीं है, पास ही है एग्जाम, बहुत ही कम टाइम बाकी है। सो आपने अभी तक जिन चीजों को भी पढ़ा है उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।